कोई कहानीकार कलम उठाकर जब एक अपने शब्दों को कहानी में डालता है तो ये कहाँ सोचता है कि एक काल्पनिक कथा उसके जीवन की एक अंतहीन सच्चाई बन जाएगी। पद्मश्री मंजूर एहतेशाम की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही रही। जीवन भर किताबों में डूबे रहे, कलम किस चाहिए और कागज के पन्नों के बीच जिंदगी का हर पल जीते रहे, वो कहाँ जानते थे कि उनकी पहली किताब ही उनके जीवन की आखिरी सच्चाई बन जाएगी। वैसे तो मंजूर एहतेशाम किसी पहचान के मोहताज नहीं है। साहित्य की पूरी दुनिया में उनका नाम हमेशा आदर और सम्मान के साथ लिया जाता रहेगा। मंजूर एहतेशाम नई पाई साहित्य और उपन्यास लिखे, दास्ताएं लापता कुछ दिन और सूखा बरगद बसारत मंजिल पहर ढलते जैसी चर्चित उपन्यासों और कथा संकलन तहसीब तमाशा तथा अन्य कहानियां से वह हमारे समाज का बेहतर चित्र खींचते हैं। मंजूर हमेशा यही कहते रहे कि कहानी आम लोगों के बीच होना चाहिए, उनकी परेशानियों से जुड़ी होना चाहिए तो वह कभी पुरानी नहीं होती। आम लोगों से जुड़ी कहानी लिखने वाले मंजूर के माता पिता उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, पर मंजूर की दोस्ती तो शब्दों से ही हो चुकी थी, कहानी के इस दुनिया से हो चुकी थी जहां रहना सबके पास बस की बात नहीं। मंजूर शब्द के जादूगर बन चुके थे और उनका जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था, जो उनकी कहानियों को पढ़कर उनके मुरीद बन चुके थे। ये संयोग है कि मंजूर ने अपने पहले कहानी का नाम रखा था रमजान में मौत, और अफसोस ये महान कहानीकार रमजान के पास पहल में ही हम सब को छोड़कर चला गया। लंबी बीमारी के बाद पद्मश्री मंजूर एहतेशाम का निधन हो चुका है। 1984 में भोपाल में जगन मंजूर एहतेशाम की कमी न सिर्फ साहित्य जगत बल्कि पूरे भोपाल को हमेशा महसूस होती रहेगी।